साइकिलिंग के टाइम पे मेजरली आपके लोअर बॉडी मसल्स यूज होते हैं, वर्कआउट होते हैं, इसलिए लोअर बॉडी मसल्स को ट्रेन करना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिससे आपके लोअर बॉडी मसल्स बिल्ड भी होंगे और आपका साइकिलिंग का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइकिलिंग मेजरली हमारे लेग मसल्स को एंगेज करती है और ये मसल्स हैं क्वाड्स, जो कि मसल्स हैं फ्रंट थाइस के, हैमस्ट्रिंग्स जो कि मसल्स हैं बैक थाइस के, ग्लूट्स जो कि मेन मसल्स हैं हिप रीजन के, काफ मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स जो कि मसल्स हैं फ्रंट हिप रीजन के। इन पांच मेन लेग मसल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है पेडलिंग के प्रोसेस में भी। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लेग मसल्स होंगे, उतना ही कम होगा आपका इंजरी का चांस, उतना ही ज्यादा होगी आपकी साइकिलिंग की परफॉर्मेंस और उतना ही कम होगा आपका मसल फटीग या थकान के चांसेस। अब मैं आपको पांच लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिनके लिए आपको किसी भी तरह के वेट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधे एक्सरसाइजेस पे आते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, जो कि एक बहुत ही बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज है लोअर बॉडी को बिल्ड करने के लिए। स्क्वाट्स करने के लिए आपको अपने लेग्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखना है और हिप्स पे हिंज करके नीचे आना है। ध्यान रखिए कि आपके थाइज फ्लोर के पैरेलल या उससे थोड़े नीचे रहें। नीचे आने के बाद आपको अपने हील से पुश करके ऊपर आना है। स्क्वाट्स आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, काफ मसल्स और यहां तक कि एब्स को भी वर्कआउट करते हैं। स्क्वाट्स के आपको 12 से 15 रेप्स करने हैं एक सेट में। लंजेस एक अमेजिंग बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो आपके ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स को वर्कआउट करती है। वीडियो में दिखाए गए फॉर्म को फॉलो करिए और ध्यान रखिए कि आपकी नीज टोस के लेवल से आगे ना हो। लंजेस से आपकी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, जो साइकिलिंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लंजेस के आप एक सेट में 10 रेप्स कर सकते हैं फॉर ईच लेग। काफ रेजेस एक बहुत ही बेसिक और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके काफ मसल्स को बिल्ड करने के लिए। इस एक्सरसाइज के लिए आप एक नॉर्मल स्ट्रेट सरफेस भी ले सकते हैं या एक रेस्ड प्लेटफॉर्म भी चूज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं एक नॉर्मल स्ट्रेट सरफेस पे काफ रेजेस करूंगा। वीडियो में दिखाए गए फॉर्म को फॉलो करिए और एक सेट में 10 से 15 रेप्स करिए। ग्लूट ब्रिजेस आपके ग्लूट्स, लोअर बैक मसल्स, हैमस्ट्रिंग्स और कोर मसल्स को भी वर्कआउट करते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको अपने कोर और ग्लूट्स एंगेज रखने हैं, ये ध्यान रखते हुए कि बैक बहुत ज्यादा बेंड ना हो ब्रिज पोज में। ग्लूट ब्रिजेस के आपको एक सेट में 12 से 15 रेप्स करने हैं। सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स आपके बैक, लेग और कोर मसल्स को वर्कआउट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको एक लेग पे बैलेंस करना है और दूसरी लेग को बैक की लाइन में रखना है और बैक को फॉरवर्ड बेंड करना है जब तक बैक फ्लोर के पैरेलल ना आ जाए। सेम आपको दूसरी लेग के लिए भी करना है। आप सिंगल लेग डेडलिफ्ट के पर लेग 10 से 12 रेप्स कर सकते हैं एक सेट में। इन पांच एक्सरसाइजेस के आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं और विद टाइम आपके लोअर बॉडी मसल्स बिल्ड होने लगेंगे और आपकी साइकिलिंग की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन लोअर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस फॉर साइक्लिस्ट्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपर बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट योर चीज देखते रहिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।